It's been over 30 days that workers engaged in MNREGA work are staging protests in Delhi. Their three main demands are to abandon the Aadhaar-based payment system, NMMS, which is the National Mobile Monitoring System, and third, the increase in funds which are allocated for MNREGA work. What they are claiming is that due to the paucity of smartphones with women, it's getting increasingly difficult to update photographs and to link their accounts, by which they're losing days' work. And these lack of payments are sometimes also spanning for more than a month. तो ये धरना तो अभी 13 फरवरी से चालू है, 100 डेज तक ही हमने सोचा रखा है, 100 डेज तक करेंगे करके। तो हमारा तो मांग ये है कि एक तो बजट ज़्यादा करना चाहिए, सेकंड इश्यू है अभी जो NMMS करके स्मार्टफोन, हर एक मेट के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, हर दिन 2 बार सभी लेबर्स का फ़ोटो लेके, ग्रुप फोटो लेके अपलोड करना है। अगर एक का फोटो नहीं आया तो उस पर्सन का उस दिन का हाजिरी नहीं होता है, ये 2 बार करना चाहिए। अभी हमको पूछना है कि दुनिया में कहाँ ऐसा है कि एक दिन में 2 बार हाजिरी लगाना है। नरेगा संघर्ष मोर्चा यहाँ पर धरना आज 25वां दिन हो गया। हम जो नरेगा कानून लिखा है कि नरेगा को मजदूर, जो नरेगा के मजदूर हैं उनको साल में 200 दिन काम दिया जाएगा, उनको मजदूरी दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसका उलट कर रही है। ना तो काम मजदूरों को दे रही है, ना उसका मजदूरी भुगतान कर रही है, और एक नया सिस्टम ला दी है कि जो ऑनलाइन हाजिरी लगा रहा है मजदूरों का, जिससे कि मजदूरों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। एक दिन का तो हम लोग को तो 800 तो जरूर उनको देना चाहिए, और साल में 200 दिन काम देना चाहिए। जो आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है उसको बंद करे सरकार, और जो दिक्कतें आ रही हैं उसको वो बंद करें। इसलिए आज हम धरने पर यहाँ बैठे हैं, और अगर सरकार ये हमारी मांग को नहीं पूरा करेगा, ये धरना 100 दिन का है, अभी 25वां दिन हो रहा है, अगर सरकार ये मांग नहीं पूरा करेगा तो फिर ये धरना और आगे तक हम ले जाएंगे। Subscribe to the Federal's YouTube page for more interesting updates.